जैसा हम फाइट फैंस सोच रहे थे वैसा ही होता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेक पॉल और नेट डियाज की बॉक्सिंग फाइट फिक्स हो चुकी है। यानी अगर आप पैटर्न देखेंगे जेक पॉल की फाइट्स का, तो पहले बेन एस्करन, उसके बाद टायरन वुडली, उसके बाद जो है हराया स्पाइडर सिल्वा को, और अब चौथे फाइटर जिनको उन्होंने चैलेंज कर दिया और फाइट फिक्स हो गई है वो है नेट डियाज। यानी कि सबके सब फाइटर रिटायर हो चुके हैं यूएफसी से और सबके सब फाइटर्स को उन्होंने हराया। अब यहां पर नेट डियाज का क्या चांस है जेक पॉल के खिलाफ फाइट में, और ये फाइट कब होगी, पूरी वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। 5 अगस्त वाले दिन डेलस के अंदर बॉक्सिंग बाउट होगी, यानी कि एक बॉक्सिंग मैच होगी जो होगा जेक पॉल और नेट डियाज के बीच में। लेकिन दिक्कत यह है कि नेट डियाज जो है वो अपने ग्राउंड गेम के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वो कुछ ऐसे तगड़े स्ट्राइकर नहीं है। तो क्या ऐसे में नेट डियाज हमें नॉकआउट होते हुए दिखाई देंगे? लेकिन चिन अच्छी है नेट डियाज की, लेकिन वो आज तक नॉकआउट नहीं हुए। लेकिन ये बॉक्सिंग मैच है यार, और जेक पॉल ऐसे फाइटर्स को टारगेट कर रहा है जो बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि जो शेर बूढ़े हो चुके हैं उनका शिकार कर रहा है जेक पॉल। तो ऐसे में नेट डियाज के चांस मुझे स्लिम लग रहे हैं जीतने के। नॉकआउट होते हुए तो मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जीतने के चांस स्लिम दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस फाइट के अंदर जीतेगा कौन? क्योंकि जेक पॉल अपनी पिछली फाइट हार चुके हैं टॉमी फ्यूरी के खिलाफ, और टॉमी फ्यूरी के खिलाफ वो इसलिए हारे क्योंकि टॉमी फ्यूरी जवान था, और एक बूढ़े शेर के खिलाफ नहीं, एक यंग जवान शेर के खिलाफ उनकी फाइट थी। तो ऐसे में वो हार गए। तो ऐसे में हैंड पिक करके ऐसे लोगों को ही जेक पॉल चुन रहा है जिनको वो इजीली हरा दें। ऐसे फाइटर जिनके नाम तो बड़े हैं लेकिन अब दर्शन छोटे हो चुके हैं। सुना है ना वो कहावत, नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। ऐसा ही काम अब नेट डियाज के साथ हो चुका है। ही इज डाउन द हिल, अपने पीक से वो नीचे आ चुका है। तो ऐसे में ये इंटरेस्टिंग होगा लेकिन देखना, जेक पॉल और नेट डियाज की फाइट, क्योंकि नेट डियाज और जेक पॉल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या अब जो बिल्डअप होगा उसको देखने में फाइट से कहीं ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेट डियाज शॉक करेंगे क्या, जेक पॉल को हराएंगे क्या, और जेक पॉल ऐसे फाइटर्स को क्यों चुन रहा है जिनको वो हैंड पिक कर रहा है? उसका रीजन यही नहीं है कि भाई अपने हिसाब से जवान उसके सेम एज के फाइटर्स को वो बॉक्सिंग में नहीं हरा सकता? आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। लेकिन फन फाइट होने वाली है ये, और कहीं ना कहीं हमें पता भी था कि अब नेट डियाज रिटायर हो गए हैं तो जेक पॉल को जरूर चैलेंज करेंगे। बताइएगा नीचे कमेंट करके।